हरिद्वार के धर्म संसद प्रकरण में पुलिस फूंक कर कदम रख रही है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया में पुलिस की कार्रवाई की ओर लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि धर्म संसद पर विवाद होने के बाद नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को रिपोर्टेड ओपन के चलते गिरफ्तार किया गया है। वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को एक दूसरे मामले में विशेष समुदाय की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हेट स्पीच वाले मामले जो दर्ज हुए हैं उनमें जो दो गिरफ्तारियां हुई हैं वो रिपीटेड ऑफेंस के कारण हुई हैं, क्योंकि जो इसमें शामिल लोग हैं उनके द्वारा यह कृत्य बार बार किया जा रहा था। और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 41A का नोटिस फाइनल कराया जाएगा और जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकरण में अब तक कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 3 मुकदमों में जो वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं।